न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के सबसे मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर शैलेंद्र ममगई जी, जिनसे हम बात करेंगे होम्योपैथ को लेकर चल रही आज की प्रणाली में, आज के माहौल में होम्योपैथ किस तरह से काम कर रहा है और लोगों का विश्वास कितना है होम्योपैथ पे। साथ ही बात करेंगे कि इस उम्र में भी जिस तरह से ये लोगों को सेवा दे रहे हैं, उससे लोगों के साथ साथ इनको कितनी संतुष्टि मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सम्मान दिया है, बुलाया है। डॉक्टर साहब, आज एक धारणा बन चुकी है, हम लोग देखते हैं कि सबका रुझान, सबका विश्वास होम्योपैथी की तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से उतना नहीं है जितना एलोपैथ पे है। लोग एलोपैथ पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तुरंत दवा लेना चाहते हैं। क्या कारण है कि होम्योपैथ और आयुर्वेद पे लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा है या विश्वास नहीं जता पा रहे हैं? इसका मूल कारण तो यह है कि वहाँ एलोपैथी में आडंबर ज्यादा है, तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तो लोग समझते हैं कि इनसे रोग जो है डॉक्टर पकड़ लेंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे किसी भी मशीन से ये तो पता चलता है कि क्या क्या परिवर्तन शरीर में आए हैं, लेकिन मरीज को क्या क्या अनुभव हो रहा, क्योंकि इंसान जो है वो खाली मशीन नहीं है, वो एक जीवंत व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व है। आप उत्तराखंड के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर हैं, सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। होम्योपैथ पे जब भी बात होती है, किसी से हम लोग बात करते हैं तो सब हमेशा कहते हैं एसके ममगई, शैलेंद्र ममगई। 80 वर्ष से ज्यादा आपकी उम्र हो गई, इस उम्र में आप जब लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं तो लोग आपसे विरोधाभासी बयान बात नहीं करते कि भाई हमको तो आयुर्वेद से इतना जल्दी फायदा मिल गया, हमको एलोपैथ से इतना फायदा मिल गया, होम्योपैथ से कैसे फायदा होगा। वास्तव में होता यह है कि जब निराश हो जाते हैं सब तरफ से, तब उन्हें जिन मरीजों को मेरे इलाज से आराम मिल चुका होता है, क्योंकि आपस में मित्रता है, रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं से ऐसे भी बात कहीं होती है। उदाहरण के तौर पे एक दिन एक बच्चे को बुखार था, श्रीनगर से वो आए थे, यहाँ एक नर्सिंग होम में भर्ती था, उसको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, सारे टेस्ट हो रहे थे, तो वो निराश होके होटल में बात कर रहा था। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन है, होटल वाले क्या। वहाँ किसी ने उसे कहा, अरे भाई वहाँ जाओ, ठीक हो जाएगा। और ये ईश्वर की कृपा है कि उस बच्चे को 10 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया और श्रीनगर चला गया। अभी जो वीडियो मैंने बना रखी उसमें उसका जिक्र है। हमने आपके कई वीडियो देखे यूट्यूब पे भी, आपके बहुत से ऐसे असाधारण रोगों को सही करते हुए हमने देखा है। 80-81 वर्ष की आपकी उम्र है, हमने आपसे बात किया तो लगा कि 50 वर्ष की उम्र से आप होम्योपैथ को लेकर के काम कर रहे हैं, लोगों को दवा दे रहे हैं, जबकि आपके पास होम्योपैथ का कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो कि आज भीड़ लगा के लोग अपने बोर्ड पे लगाए रहते हैं। तो बिना किसी डिग्री के, इस अनुभव के आधार पर, इस पढ़ने के, किताबों के पढ़ने के आधार पर, जैसा आपने बताया, इतना बड़ा काम आप कैसे कर लेते हैं? उसके लिए मैंने कभी पढ़ा था स्वाध्याय मां प्रमथ, स्वाध्याय में आलस मत करो। और उसी स्वाध्याय का, स्वाध्याय का है मतलब कि समझ के पढ़ना, अंग्रेजी में कहते हैं टू रीड बिटवीन लाइन्स। तो जब समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें वास्तविकता समझ में आती है कि जो लिखा है पुराने डॉक्टरों ने, रिसर्च की है, अपना जीवन लगाया है, और जो कुछ उन्होंने पाया है वो सब पुस्तक में अपनी सफलता असफलता वो लिख के रख दी। अच्छा, उससे हम अब लाभ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं कहता हूँ कि भाई नकल कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो समझने की कोशिश करते हुए मैं पढ़ाऊँ,
और उसका ये नतीजा हुआ है कि आज मेरा विश्वास हो गया है, विश्वास कि होम्योपैथी वास्तविक संजीवनी विद्या है। जो बीमारी, एक्चुअली बीमारी का इलाज नहीं करते हम, हम बीमार का इलाज करते हैं। बीमार में अभी मैंने कहा ना कि व्यक्तित्व, तो वो व्यक्तित्व जो है उसमें कई बातें होती हैं कि आदमी का स्वभाव कैसा है, किन परिस्थितियों में उसका रोग बढ़ रहा है, किन परिस्थितियों में घट रहा है, उसे राहत मिल रही है, उसको व्यवहार कैसा है रोग की स्थिति में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की तीन व्यक्तित्व होते हैं, संभावना है। नंबर एक उसका प्राकृतिक व्यक्तित्व, दूसरे किसी औषधि के प्रभाव में व्यक्तित्व, तीसरे किसी रोग के प्रभाव में व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के आधार पे हम, क्योंकि औषधि का व्यक्तित्व होम्योपैथी में स्वस्थ और संवेदन व्यक्तियों पे परीक्षण करके प्राप्त करते हैं, उसके आधार पे मेटीरिया मेडिका तैयार हुई है। अच्छा, उस मेटीरिया मेडिका में पूरा व्यक्तित्व औषधि का लिखा हुआ है। अब जब व्यक्ति अपने रोग के बारे में, यानी वो रोग का व्यक्तित्व वर्णन करता है, तो हमें देखना होता है कि कौन सी औषधि का जिक्र कर रहा है ये। वो औषधि जब व्यक्ति पे परीक्षण हो जाती है तो जीवंत हो जाती है, लेकिन बोलती तो व्यक्ति के माध्यम से है ना। तो उदाहरण के तौर पे जैसे किसी व्यक्ति ने भांग खाई है, तो भांग का आम लोग जानते हैं कि क्या प्रभाव होता। अब बिना भांग खाए भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे भांग खाई है, तो होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार भांग ही उसकी औषधि है। वो रोग के कारण भांग खाने से हुई या किसी और कारण से हुई, व्यक्तित्व तो कहना नहीं चाहिए। लगभग 17-18 साल का हमारा प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने पहले ही कहना नहीं चाहिए, हमें खुद होम्योपैथ पे विश्वास नहीं था। हाँ, हमने कभी होम्योपैथ का ट्रीटमेंट नहीं कराया, ना अपने ऊपर ना अपने परिवार के ऊपर। हाँ। पहली बार आपके यहाँ मिला और लाइन लगा के मिला, तो जिस तरह से आपके यहाँ लंबी चौड़ी भीड़ लगती है, उसके बाद लाइन लगा के मिला, जब आपसे मिला और बैठा और आपके सारे पुराने जैसा आपने इलाज किया उसको देखा, तो मुझे इतना विश्वास हुआ और मुझे लगा कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में कम से कम जो लोगों की अवेयरनेस चीज, मतलब जो लोग अवेयर नहीं है होम्योपैथ को लेकर, उसको किया जाए। तो उसी क्रम में मैंने आपके साथ सोचा था, उसी दिन मन बनाया था कि आपसे मैं कम से कम 5 बार मैंने पूछ चुका कि आप आइए। मैं चाहता था कि होम्योपैथ के विषय में लोगों को जानकारी मिले। इतने असाध्य रोग, उस दिन मैं आपका एक देखा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में था स्लिप डिस्क, जो कि हड्डी, एक हड्डी हट जाती है उसका होम्योपैथ में दवा है, तो ये कैसे हो जाता है? हाँ, वास्तव में जैसे हड्डी टूट गई तो उसका पहला उपचार तो ये है कि वो हड्डी जोड़ बिठा के उसको ऐसा कर दें कि वो हिले नहीं। अब शरीर के अंदर में वो शक्ति है कि उसे जुड़ेंगे, वो जुड़े अपने आप। अच्छा, वो जुड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो उस शक्ति को प्रभावित करती हैं, और मैंने देखा कि जिन मामलों में डॉक्टरों ने एम्पुटेशन की बात कह दी थी, हड्डी काटने की, टांग की, वो होम्योपैथी से ठीक हो गए। एक व्यक्ति को तो उसको, बल्कि मेरे खुद नहीं दवाई दी, मुजफ्फरनगर में रहता वो जो था, किसी ने दयावश उसे कहा, उनके पिताजी करते थे होम्योपैथी, उनसे मित्रता हो गई क्योंकि वो भी मेरे पास दवा लेने आए थे, कैंसर था उनको गले का, तो उनको काफी राहत मिली थी। तो कैंसर का लड़का, कैंसर का भी सफल इलाज है होम्योपैथ में? कैंसर का इलाज है, बताइए। मैंने अभी कहा ना कि हम बीमारी का इलाज नहीं करते, होम्योपैथी में बीमार का इलाज होता है। कोई एक स्पेसिफिक औषधि नहीं है कि ये कहें कि कैंसर है और उसे ये दवाई दे दें। देखिए, ईश्वर की कृपा से या गुरु के आशीर्वाद से
अभी तक कई मामले कैंसर के कुछ तो निरोग हुए हैं, है ना। कुछ जो है ऐसे भी आए, दो केस ऐसे थे जो टर्मिनल केस थे, जिनको अस्पताल से जो है दिल्ली के अस्पतालों से भत्रा गंगाराम ये कह दिया कि अब जो है कोई उम्मीद नहीं है और निराश हो गए। उस समय भी उनको इतनी राहत मिली कि जब उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि मृत्यु तो हम नहीं रोक सकते ना, जब आनी है तो आनी ही है, कि वो शांति से मर गए। शांति से मर गए तो उनके घर वाले मुझको धन्यवाद देने आए कि जैसा हमको डॉक्टरों ने कहा था कि ये तड़पेंगे, पेन किलर काम नहीं करेंगी, आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा इनका कष्ट देखने के लिए। वो उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, शांतिपूर्वक चले गए। जैसे होम्योपैथ की दवा लेने आपके यहाँ आदमी जाता है, आम आदमी ये सोचता है होम्योपैथिक दवा तुरंत फायदा नहीं करेगी, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो आपसे लोग पूछते नहीं कि साहब डॉक्टर साहब कोई ऐसा एलोपैथिक दवा दे दो कि तुरंत आराम हो जाए, फिर होम्योपैथिक हम करते रहे। ऐसा हुआ जब मैं पढ़ रहा था तो एक डॉक्टर जेटी कैंट हुए, होम्योपैथी में वो टीचर के नाम से निकनेम है उनका, उनके लेक्चर पढ़ रहा था। शुरू में जब मैंने शुरू करी तो था कि इमरजेंसी में एलोपैथी कोई दवाई हमको आनी चाहिए। उन्होंने लेक्चर में कहा अपने स्टूडेंट्स को कि इफ यू विल नो योर रेमेडी एज वेल एज यू नो योर इंटीमेट फ्रेंड, दे विल नेवर लेट यू डाउन। जिगरी दोस्त कभी धोखा नहीं देता, राइट। ये एक सच्चाई है, true, yes. आप भी जानते हैं। जब ये बात पढ़ी तो वो विचार मैंने दिमाग से निकाल दिया कि एलोपैथिक दवाई के बारे में कोई जानकारी हासिल करूं, पेन किलर की उसकी। और ऐसे मौके आए कि जब मुझे रात को इमरजेंसी में जाना पड़ा और मरीज ने ही थोड़ी देर में ये कहा कि डॉक्टर साहब आपको भी नींद आ रही होगी, मुझे तो आ रही है, आप जाके सो जाइए, तो उस बात से इतना आनंद मिला कि उस अध्यापक ने कैसी कमाल की बात कही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उन दवाइयों से दोस्ती गाढ़ें। आप बड़े नियम कानून से चलते हैं, सुबह से आपके यहाँ पर्ची मिल जाती है, उसके बाद ना आप किसी को इंटरटेन करते हैं ना किसी को देखते हैं, तो कोई वीआईपी का दबाव ऐसा होता नहीं आपके ऊपर कि भाई चलो हमारा पेशेंट जा रहा है जरा तुरंत देख लो, तो डॉक्टर मंगई ऐसा क्यों नहीं ऐसा करते? रखा हुआ है मैंने कि एक तो जो बहुत दूर से आता है उसको टोकन मिलेगा नहीं, देर से पहुंचेगा। दूसरे कोई बुजुर्ग आदमी है, लग रहा कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। तीसरे किसी मरीज की ज्यादा तबीयत खराब है तो उनको बीच में देखता हूं। एक जो डॉक्टर आते हैं, कोई मुझे पता चलता है कि डॉक्टर है, उनको मैं बीच में बुला के दवा देता हूं। वरना मैंने अपने घर वालों को भी कह रखा कि लाइन में बैठो, क्योंकि वहां जो रोगी वो वीआईपी है, जो किसी दफ्तर में सरकार में वीआईपी है वो मेरे यहाँ वीआईपी नहीं है, क्योंकि वीआईपी तो वो है जिसको रोग ज्यादा, तो उसको मैं पहले देखता हूँ, बाकी सबको नंबर से। तो होम्योपैथ की दवा आपने, होम्योपैथ की कोई डिग्री नहीं करते ना आपके पास डिग्री है, आप केवल पढ़ के इतना ज्यादा सभी रोगों पे कैसे आपका कमांड है मेडिसिन पे कि इस रोग के लिए पर्टिकुलर इस रोग में पर्टिकुलर इस चीज के लिए ये दवा है। मैंने कहा ना कि रोग नहीं, रोगी का इलाज करते हैं, रोगी के सारे लक्षण आपने भी देखा कि मैं सारी बातें पूछता हूँ सिर से पैर तक जी, उसके अलावा व्यवहार की भी बात पूछता हूँ कि आप कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी बात जान के तब दवाई का निदान करते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है साधना प्राइम न्यूज पे। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे होम्योपैथ को लेके, आपका 50 वर्षों का
मेडिसिन के साथ कैरियर कह लीजिए चाहे अनुभव कह लीजिए, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि जो ये गरीब लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं, उनके यहाँ कैंप लगाया जाए हफ्ते में एक दिन, उनको लाइन लगा के मेडिसिन लिखी जाए, न दी जाए अपनी मेडिसिन लेकिन उनको लिखी जाए, जिससे उनको कम से कम वह गरीब लोगों को आपके इस अनुभव और आपके इस नाम का फायदा मिल सके? देखिए ऐसा करता हूँ कि कैंप लगा के जो है ना करने में मैंने किया है प्रयत्न, वो किया है ऐसे मामलों में जैसे मलेरिया हो रहा, मीजल्स हो रही, चिकन पॉक्स हो रही, उसमें दवाई बांट देता हूँ। बाकी और बीमारियों के बारे में हमको फॉलोअप का ध्यान रखना पड़ता है कि आज जो दवाई दी उसका हफ्ते भर में क्या प्रभाव हुआ, वो देखना पड़ेगा, फिर वो आगे देनी पड़ेगी दवाई। तो मेरे पास जो गरीब आते हैं मुझको लगता है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको उसी निष्ठा से दवाई देता हूँ और पैसे नहीं देता। आपकी फीस तो बहुत कम है, हम लोग भी दवा कर रहे हैं, हमारे लोग भी दवा कर रहे हैं। बात फीस की नहीं होती, बात ये होती है अप्रोच की। अब यहाँ का आदमी आपके यहाँ जाके सुबह से लाइन लगाएगा तब तो उसको टोकन मिलेगा, एक दिन में आप गिने चुने 30-40 लोग को देखते हैं, तो उसमें कम से कम एक दिन हफ्ते में ऐसा निकले जिससे हर आदमी आपके इस अनुभव का और इस जो आपका चैलेंज है उसका फायदा ले सके। नहीं, उसके लिए तो ऐसा है ना, मैंने बताया कि जो भी ऐसा व्यक्ति है वो आके बताएगा मैं उसको दूंगा, लेकिन वो जो फ्री वाली बात है वो बात तो बहुत सोची है, मुझे प्रैक्टिकल नहीं जमी वो। नहीं, फ्री में प्रैक्टिकल ऐसा जैसे, है ना? जैसे एलोपैथिक डॉक्टर आता है, दवा लिख दिया, हाँ, ये कर दिया वो कर दिया, चार दवा लिख दिया, उसमें आसान है, लेकिन इसमें फॉलोअप का बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले फोन आ रहा था, वो भोपाल से आ रहा था, अब उस महिला को दवाई भेजी, उसको जो कुछ असर हुआ वो मुझे बताएगी, तब आगे दूंगा। आप इतने दिन से होम्योपैथ पे काम कर रहे हैं, आपको दून रत्न का सम्मान दिया गया, गढ़वाल गौरव का सम्मान दिया गया, बहुत से ऐसे सम्मान हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं और मिलते रहते हैं आपको। हमने देखा कि हमारे सामने ही बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से समय लिया जाता है, समय लेके वो आते हैं, दिखाते हैं। तो जब आपके पास आदमी आता है तो आप कभी कभी ऐसा नहीं होता व्यक्ति के दबाव में भी दवा देते हो कि भाई ये बड़ा आदमी है इसको ऐसी दवा दी जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दवाई तो जो उसको जरूरी है ना, वही दी जाती है। अब उदाहरण के तौर पे लोग कहते हैं जी कोई टॉनिक दे दो। नियम यह है कि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो किसी टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती, और स्वास्थ्य खराब है तो टॉनिक से स्वस्थ नहीं होता आदमी। उसके लिए हनीमैन ने कहा कि टॉनिक से सेहत बनती है, बनाने वाले की और बेचने वाले की। हाँ, बड़ा अच्छा हनीमैन का आपने नाम लिया। होम्योपैथिक की शुरुआत हम लोगों ने जो पढ़ा है जर्मन से होती है, हनीमैन ने ही शायद शुरुआत इसकी की। हाँ जी, तो हकीकत क्या है, शुरुआत वहीं से हुई कि इंडिया से ही इसकी कोई लेना देना रहा है? इंडिया से उसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज भी हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो जब होम्योपैथिक कभी कभी जैसे आप लोग लिख देते हैं तो हम दुकान पे जाते हैं तो पूछता है कि इंडियन दवा दूं कि जर्मन क्या दूं, इसका क्या मतलब है? वो तो एक खाम खेली है। अच्छा, दवा चूंकि मैंने जब शुरू किया तो जर्मन दवाइयां, हिंदुस्तानी दवाई जो थी 10 पैसे की मिल रही थी, वही दवाई जर्मन 5 रुपए की मिल रही थी, अब से 50 साल पहले। अब 5 रुपए और 50 रुपए में तो बहुत अंतर है ना। तब मैं फ्री बांट रहा था क्योंकि मैंने ऑफिस से परमिशन ली थी कि मैं ऑनरी बेसिस पे करूँगा, और उसे निष्ठा से फ्री बांट रहा था। और मैं ये देख रहा था कि एक आदमी को तो उस दवा जो दी मैंने दी उसे आराम मिल गया, उसी शीशी में से दूसरे को दी तो आराम नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डायग्नोसिस वो दूसरे के लिए सही नहीं था, मैं उसे सही दवाई नहीं दी इसलिए नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि वो दवाई तो ठीक है, वैसे भी जो है
ये नियम है कि बजाय दूसरे की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने को देखो। कौन कौन से असाधारण रोग हैं जिनके लिए हमारी दिमाग में ये बन चुका है कि होम्योपैथिक से इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन वह होम्योपैथिक से आपने ठीक किए हैं? हाँ देखिए, जैसे हड्डियां नहीं जुड़ रही हैं, ये होम्योपैथिक से संभव है। होम्योपैथिक से संभव है, ठीक। डायबिटीज भी होम्योपैथिक, लेकिन ये कैसे संभव है? होम्योपैथिक की दवा मीठी गोली होती है, डायबिटीज से मीठा। ये तो आश्चर्यजनक बात है, ये संभव कैसे है? अगर मैं अपने अनुभव सुनाऊंगा तो जिन्होंने होम्योपैथी जानी नहीं, कोई उसमें विश्वास नहीं करेगा कि ये सच कह रहे हैं। अविश्वसनीय रिजल्ट मिलते हैं, मैं दे रहा हूं। और जब जांच कराते हैं, समय समय पर जांच कराते हैं, तो ब्लड शुगर कम होती जाती है, पता मिलता है। हाँ, परहेज, व्यायाम यानी जीवनचर्या, वो ठीक रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी रोग में आदमी को परहेज तो पहले करना ही पड़ेगा। उस परहेज का मैं समझाऊं सबसे बढ़िया उदाहरण कि अगर आंख में तिनका गिर जाए और उसको निकाले नहीं, बढ़िया से बढ़िया दवाई डालते रहे, तो क्या दर्द ठीक हो जाएगा? तिनका निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जिस चीज से रोग बढ़ता है उसको उसका उपयोग नहीं करें। तो चलिए, हड्डियों का भी आपने बता दिया, आप डायबिटीज का भी बता रहे हैं, कैंसर ऐसे का ही आपने कैंसर बता है, दिया, होम्योपैथी से होता है, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का भी आप बात कर रहे थे, का होता है। तो ये सब रोग तो हम लोगों ने सुना ही नहीं कि होम्योपैथ में इसकी दवा है। स्लिप डिस्क के बहुत सारे मामले ठीक हुए हैं, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक कि वो तो मैंने आपको बताया था कि वो जबड़ा खिसक गया था, जी, और दवाई से अपनी तरह अपने आप आ गया एक साल में, जबकि वो 3 साल से परेशान था व्यक्ति, ठीक है। इसी तरह से श्वास रोग, दमा, होम्योपैथी ठीक होता। बहुत लोगों का वो इनहेलर, क्योंकि एलोपैथी में वो देते हैं, उससे एडिक्शन पैदा होता। हमारी दवाई से एडिक्शन पैदा नहीं होता, और वो इनहेलर छूट गया और वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आदमी के पास समय हो तो एलोपैथ की जगह होम्योपैथ पे आदमी को ज्यादा विश्वास करना चाहिए। हाँ, वैसे ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है ना, या हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरती क्या? जब कंगन है तो उसे आईने में थोड़ा ही देखते हैं। सही बात। अब जब किसी मरीज को, मेरे पास मरीज आते हैं ना, लाइन लगती है, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता, कोई प्रचार नहीं करता। हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक जानने वाली चीज है कि आपका कहीं भी एक लाइन कहीं नहीं एडवर्टाइज, 10 बार मैंने कहा तब तो आप यहाँ पे आते हैं, तो बिना किसी प्रचार प्रसार की इतनी लंबी लाइन लगती है। हाँ, मेडिकल एथिक में है जी कि डॉक्टर अपना प्रचार न करे। लेकिन पहला डॉक्टर मेरे सामने बैठा है जो बिना प्रचार के काम करता है। हाँ, और फिर अच्छा ऐसे ही, अब ये वो कह रहे थे ना एपिलेप्सी, कई सारे मृगी रोग, मतलब एपिलेप्सी की भी दवा होम्योपैथ से सही, बड़े वायलेंट मामले ठीक हुए हैं। क्योर, क्योर का मतलब जो है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का पुनर्स्थापन। हमारा और हमारे चैनल का मेन मोटो उद्देश्य यही है कि जो होम्योपैथ की तरफ से लोगों का विश्वास हट रहा है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि आज पूरा देश एलोपैथ पे ज्यादा विश्वास करता है, हम एलोपैथ पे ही टिके रहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें कम से कम हमारे दर्शक को ये बताएं कि होम्योपैथ से कितना कितना फायदा हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, पहली बात तो है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इसीलिए चढ़ाई हैं कि लोग उनको देखें और समझें कि होम्योपैथी से क्या हो सकता है। अब आजकल वो एक रोग है AVN, एवस्कुलर नेक्रोसिस, ये जो है हिप जॉइंट्स का कोलेज उसमें होता है। कई मामले इम्प्रूव हुए हैं, ठीक हुए हैं। जो पहला मामला तो ये दराज उनका है, उसका ऑपरेशन पहले हो चुका था, एलोपैथी में उसके ऑपरेशन ही है, लेकिन उसके बावजूद तो उसको तकलीफ हो रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक है, जबकि वो
काफ़ी परेशान था बेचारा, उसके बाद कई लोगों को दिया है और उनको आराम मिला है। वास्तव में क्या है होम्योपैथी की, कि जब मरीज कहते हैं लोग कि जी हमने होम्योपैथिक दवाई खाई हमें आराम नहीं मिला, तो नियम एक है कि जब रोगी को सही दवाई मिलेगी तभी उसको लाभ होगा। उसको एक मास्टर ने ये कहा कि इफ यू विल राइड द करेक्ट बोट इट विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, अदरवाइज इट विल नॉट बज फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, तो जब ही रोगी को सही दवाई मिलती है तो फिर क्या होता है कि वो अपने आप तो खाता ही है, परिवार वालों को लाता है, उसके बाद जो उसके मित्र रिश्तेदार हैं उनको भेजता है कि अरे कहाँ परेशान हो रहे वहां जाओ, और उसी से जो है सारा प्रचार होता है। मैं नहीं करता, फिर ऐसा लोगों की धारणा है कि होम्योपैथी जो है देर से असर करती है। अच्छा, वो बात कुछ हद तक ठीक है। मैंने देखा है कि अब जैसे दांत दर्द हो रहा या कॉलिक हो रहा या न्यूरोलॉजिक पेन हो रहा, अभी मरीज तो बेहाल हो रहा, उसे कहें देर से असर करेगी तो क्या हाल होगा, वो क्लिनिक से मुस्कुराता हुआ जाता है 5 मिनट में। हाँ, ये भी हमने देखा है, हमने सुना और आपने बताया। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार देखा। ये धारणा भी लोगों को चेंज करनी पड़ेगी कि होम्योपैथिक से देर में फायदा होता है ना। कॉलरा जैसे मामले, मैंने आपको बताया था कि इन 50 साल में देहरादून में कॉलरा होता नहीं जी, पर मुझे दो केस मिले और दोनों केस होम्योपैथिक दवाई से निरोग हो गया। निरोग का अर्थ है पूरी तरह स्वस्थ होना, स्वास्थ्य का पुनर्स्थापन। वैसे वो क्योर शब्द जो है एलोपैथिक डॉक्टर भी लिखते हैं, जब अस्पताल से छुट्टी करते हैं तो डिस्चार्ज स्लिप में नीचे क्योर लिखा होता, उसका मतलब होता है ट्रीटेड, चिकित्सित, फिर अगले दिन हो सकता है कि तकलीफ बढ़ जाए। होम्योपैथी में हम निरोग या क्योर्ड तब लिखते हैं जब 4-5 साल तक रोगी निरोग रहता, उसे रिलैप्स न हो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस के ममगई जी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथ भी ऐसा इलाज है जिसके माध्यम से असाधारण रोग को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस पे विश्वास करने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है और इस पे परहेज करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम पूरा ध्यान एलोपैथ की तरफ लगा रहे हैं और अपना पूरे परिवार के इलाज के लिए एलोपैथ पे ही डिपेंड रहते हैं, अब उस ध्यान को हम होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ लगाएं जिससे स्वस्थ और निरोग हो सके। धन्यवाद, देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज़।